तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एरर्स व्यू फोल्डर के बारे में लारावेल में। हम एरर्स व्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे एंड कैसे यूज़ करना होता है और क्यों यूज़ करना होता है, ठीक है। तो देखिए, एरर्स व्यू फोल्डर एक एक ऐसा फोल्डर है जिसमें आप एरर्स के बेसिकली व्यूज़ बनाते हो, ठीक है। जैसे कि आपको नेम से ही समझ में आ रहा है एरर्स व्यू फोल्डर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एरर्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि अपने व्यूज़ के अंदर होगा, जिसमें हमारे एरर्स के पेजेस होते हैं। लाइक तो जैसे आपको पता होगा 404 हो गया, 419 हो गया या 500 हो गया, ठीक है। मींस कुछ इस तरीके से जो आपके एरर्स आती हैं उन सभी के आप जो है यहाँ पर बेसिकली व्यू क्रिएट करोगे इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है और इसको क्यों यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए आपके कुछ लाइक मान के चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 404 का। ये कुछ एरर आ रही है, लाइक मेरी एक एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पर आपकी रन हो रही है, ठीक है। तो मैं जस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ अभी आपको। तो क्या है कि लाइक अगर मैं बेसिकली बहुत सारे तरीके हैं कि आप किसी भी तरीके से अकर कर सकते हो अपने एरर्स को। अब जैसे मैं जो अकर कर रहा हूँ, मैंने किस तरीके से अकर कर रहा हूँ 404, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे लाइक मान के चलो यहाँ पर ना मैंने एक राउट बनाया, मतलब राउट मीन्स मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया था स्लैश, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने राउट एक्सेस कर रहे हो या फलाना ठिकाना जो भी है। अब मान के चलिए कि आप एक ऐसा राउट एक्सेस करने का ट्राई करो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है वेब डॉट पी एच पी के अंदर। जैसे कि मान के चलो स्लैश है, स्लैश को मैंने कमेंट कर दिया, स्लैश को मैं यहाँ पर अगर एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, लाइक मैं 8000 पर जाता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको हिट करता हूँ तो मेरे को 404 नॉट फाउंड मिल जाता है, ठीक है। लाइक बाय द वे मान के चलो आपका कुछ ऐसा राउट था लाइक एक्स वाई जेड जो आप हिट कर रहे हो तो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। मीन्स 404 नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की जो एरर्स आ रही हैं इनको अगर हमें कस्टम व्यू के द्वारा रेंडर कराना है तो हम कैसे करा सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, ये तो बाय डिफॉल्ट जो लारावेल का खुद का होता है पेज वो आपको यहाँ पर रेंडर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इन एरर्स का हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर। एक हमें एरर्स का फोल्डर क्रिएट कर लेना, लाइक मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ लाइक एरर्स करके, ठीक है। अब इस एरर्स फोल्डर के अंदर क्या होगा, बेसिकली ये ऑटोमेटिकली बेसिकली लाइक मान के चलो सजेस्ट कर लेगा या ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा जो भी एरर थ्रो होगी, तो उससे पहले यहाँ पर चेक करेगा कि इस एरर्स नाम के व्यूज के अंदर कुछ एरर पेजेस बने हुए हैं। लाइक जैसे भी मान के चलो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, लाइक कुछ भी राउट डाला मैंने और यहाँ पर मैं मीन्स यहाँ पर हिट कर रहा हूँ तो मेरे को 404 नॉट फाउंड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने चेक किया, जैसे यहाँ पर ये हिट हुआ तो इसने चेक किया कि व्यूज के अंदर जो एरर्स नाम का फोल्डर है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर इसके अंदर फाइंड करो कि 404 एग्जिस्ट करती है तो उसको हम रेंडर करा दें या बाय डिफॉल्ट जो है लारावेल का जो 404 नॉट फाउंड है वो रेंडर हो जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कस्टम रेंडर कराना चाहता हूँ तो मैं जस्ट न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। जैसे लाइक मैंने लिख दिया 404, ध्यान रखना जो भी आपकी एरर है वो जस्ट नेम उसका इस तरीके से रखना 404.blade.php, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया h1 में लाइक h1 404 नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है अपना खुद इसलिए कस्टम व्यू रेडी कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मैं जस्ट इसको सेव कर दूंगा तो अब जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर देख सकते हो 404 नॉट फाउंड आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है, बस एक फोल्डर क्रिएट किया था और उसके अंदर मैंने बेसिकली जो एरर का बेसिकली पेज था वो मैंने क्रिएट कर दिया, जैसे 404 हो गया। अब जैसे आपको लगता है कि 419 एरर आ रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करो। जैसे आपने लाइक लिखा 419.blade.php जो कि नॉर्मली क्या होता है CSRF टोकन की वजह से आती है, और यहाँ पर अपना H1 प्रोवाइड कर दो, ठीक है। लाइक समथिंग मान के चलो मैंने मैंने बोल दिया कि CSRF टोकन नॉट प्रोवाइडेड, CSRF टोकन नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है इस तरीके से अपनी एरर को कस्टम कर दिया, ठीक है। तो जब कभी भी 419 की एरर आएगी, 419 बेसिकली आपके CSRF टोकन के मिसमैच से ही आती है कि CSRF टोकन नहीं मिल रहा होता है पोस्ट में, ठीक है। तो तब ये एरर रेंडर होगी तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको 419 का बेसिकली ये आ जाएगा CSRF टोकन नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। अभी तो बेसिकली हमारा 404 आ रहा था तो इसलिए हमारा 404 नॉट फाउंड आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी रहा है, मीन्स एक फोल्डर क्रिएट करो, अपने एरर पेजेस बना दो जो भी आपके कस्टम एरर पेजेस होते हैं एंड देन रेंडर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।